क्या हुआ जब रेलवे फाटक में फंसे लोगों को बचाने स्वयं शिरडी के साईनाथ दौड़े चले आए। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कभी न कभी जाने अनजाने में इंसानों से कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है, और अगर यह गलती कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाए तो किसी की जान भी ले सकती है। आज की इस सच्ची घटना में हम आपको साई बाबा के एक ऐसे सच्चे भक्त के बारे में बताएंगे जिससे अनजाने में ही एक अलग तरह की गलती हो गई, और जिस गलती ने उनके जीवन को कुछ ही समय के लिए समाप्त कर दिया था। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है बिहार के छपरा गांव के रहने वाले विशाल सिंह जी ने। विशाल जी बताते हैं कि उस दिन राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज उन्हें दर्शन देकर उन्हें ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। भगवान साईनाथ के इस चमत्कार ने उन्हें अकाल मृत्यु से भी बचाया, जिसे देखकर वो ट्रेन ड्राइवर भी हैरान हो गया। दोस्तों, विशाल जी के मुताबिक यह कहानी 7 साल पुरानी है, जब वह अपने दोस्तों के साथ शिरडी मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह को कपवा दिया। कुछ समय के लिए उन्हें उनकी मौत सामने नजर आने लगी थी। इसी बीच श्री साईनाथ का ऐसा चमत्कार हुआ, वो भी स्वयं शिरडी के साईनाथ ने चमत्कार किया, जिसे देखकर वहां के सभी लोग अपने दांतों तले उंगली चबाने लगे। दोस्तों, ये घटना तब की है जब हम मंदिर के करीब पहुंचने ही वाले थे, तभी हमारे एक गलती के कारण हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो जाती है। दोस्तों, इस घटना में किसी का मृत्यु होना तय था, परंतु कहते हैं ना, कौन छूता है उसकी परछाई, जिसे बचाने वाला साईं, जिसके ऊपर शिरडी के साईनाथ का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद यही वजह थी जो स्वयं शिरडी के साईनाथ प्रकट होकर हमारे प्राणों की रक्षा करने पहुंच गए। दोस्तों, जब हम उस दिन मंदिर के करीब पहुंचने ही वाले थे, हमारी गाड़ी की स्पीड भी काफी तेज थी। इसी बीच रास्ते में एक रेलवे का फाटक था, जिसे देखकर मैं काफी डर गया। मेरी गाड़ी का बैलेंस भी अचानक ही बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड में चल रही थी, जिसके कारण हमारी गाड़ी उस फाटक से टकराकर रेल की पटरी के बीच फंस गई। हमारी कार ना तो अब इधर जा सकती थी और ना ही उधर, और इसी कारण हमारी कार रेल के बीच ही फंसी रही, और साथ ही अब हमारी कार के गेट भी खुलना बहुत ही मुश्किल हो रहे थे। करीब 1 घंटे के मुताबिक जब आसपास से कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया, तब हमें बचने की उम्मीद बहुत ही कम लग रही थी। हमें सामने से बहुत ही तेज एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी, उसे देखकर हमारे पसीने छूटने लगे। अब हमें हमारी मौत बहुत ही करीब दिख रही थी। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हम सभी लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया। दोस्तों, ट्रेन हमसे कम 1 मिनट दूरी पर ही होगी, तभी एक ट्रैक्टर वाला जो कि हमें फंसा देख हमारी मदद करने आता है। वो रस्सी के सहारे हमारी कार को बहुत तेज बांधता है और दूसरे मुंह को अपने ट्रक से बांध देता है, जिसके बाद उस ट्रक की वजह से हमारी कार को वो ट्रैक बहुत ही तेज से खींच लेता है। जब हमने उस व्यक्ति से बात की और उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चला, वह हमारी मदद के लिए कैसे आ गए, तब उस व्यक्ति ने केवल एक बात कही। वह कहने लगा कि मैं रास्ता भटकने के कारण से यहाँ आ गया, जिसके बाद उन्होंने हमारी आवाज सुनी और हमारी मदद करने दौड़े चले आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वह इंसान थे या स्वयं शिरडी के साईनाथ के दूत थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली बार एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आखिरी में आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ अच्छे और सच्चे कार्य करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इससे क्या, हमारे साथ साथ यहाँ पर मंदिर में हर गुरुवार को आपके दिए गए रकम से गरीब बच्चों को भोजन व सभी गरीबों को वस्त्र बांटा जाएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।